2 दिनों से लापता चल रहे युवक का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों को युवक की हत्या का शक हो रहा है, वहीं पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ये मामला देहरादून का है, जहां मृतक युवक का नाम धर्मेंद्र गैरोला बताया जा रहा है और इसकी उम्र 26 वर्ष है। धर्मेंद्र जोली ग्रांट में किराए के मकान में रहता था। ये 30 अप्रैल से घर से गायब था। उसका शव सुबह एयरपोर्ट के नजदीक कोठारी मोहल्ले की झाड़ियों में मिला, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि युवक की मौत के सभी पहलू पर जांच की जा रही है। युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। 6 साल का लगभग उम्र था, एक लड़का पड़ा हुआ था और तो उसके बाद जब पता किया गया तो आसपास में तो पता लगा कि ये रिलेटिव, इसके कोई रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, उनके द्वारा पता लगा तो पता लगा ये दुर्गा चौक में लड़का रहता है और ये 2 दिन से पे नहीं था। और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी जब उत्तम सिंह रमोला जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा मिसिंग रिपोर्ट भी है किसी की, तो जब शिनाख्त की तो उस मिसिंग रिपोर्ट से जो उन्होंने हुडिया लिखा रखा था उस हुडिया से मिलता जुलता पाया गया। उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई, जिससे जब उसको उनके भाई यहाँ पे पहुँचे और उनके अन्य रिश्तेदार भी पहुँचे, जिसके बाद फॉरेंसिक लैब भी बुलाई गई है। उसके बाद बॉडी का यहाँ पे पंचनामा करके उसको पीएम के लिए पुलिस वाले से। धर्मेंद्र गैरोला नाम का एक युवक है जो 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से घर से लापता चल रहा था। इसकी गुमसुद भी थाने पर दर्ज है, इसकी तलाश चल रही थी। आज सुबह कोठारी मोहल्ले के पास में उसका शव मिला हुआ है और प्रथम दृष्टिया मौके पर कोई शव पर चोट के निशान नहीं है। फिर भी FSL की टीम को मौके पर बुलाकर मौका मुआयना कराया गया है और अभी सभी पहलुओं पुलिस जांच कर रही है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी उसके कारण आते हैं, मौत के कारण आते हैं या अन्य जानकारी आती है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।